हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अ वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्टेड रुपीज 2,02,500 एज डोनेशन फ्रॉम द रेजिडेंट्स। इफ इच पेड एज मेनी रुपीज एज देर वर रेजिडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स। तो कह रहे कि एक वेलफेयर एसोसिएशन है जो मतलब अच्छाई करता है, ऐसा ग्रुप जो दूसरों की भलाई करता है। कलेक्टेड, उसने कलेक्ट किया कितना रुपीज़, 2,02,500 एज डोनेशन, मतलब डोनेशन के रूप में जो है इतना कलेक्ट किया रुपीस। कहाँ से? फ्रॉम द रेजिडेंट्स। तो कहीं ये निवासी होंगे लोग, ठीक है। रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? निवासी। तो कुछ निवासियों से जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनसे जो है इतना डोनेशन जो है कलेक्ट किया। अब इफ इच पेड, अब उसमें बोला है कि जो इच रेजिडेंट है, मतलब कि जो भी वहाँ पे निवासी है, हर एक निवासी पे किया उतना ही रुपया पे किया जितना कि वहाँ पर रेजिडेंट्स हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, मतलब कि जितने निवासी वहाँ पे हैं, मान लीजिए एक गाँव है या एक शहर है या कहीं पर कुछ होगा, कितने लोग होंगे, तो जितने लोग हैं उतने उतने रुपीज़ जो हैं डोनेट किए। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि एक्स नंबर ऑफ रेजिडेंट्स वहाँ पर होंगे तो एक्स नंबर ऑफ रुपीज़ जो है ईच वन ने पे किया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो ये रुपया कलेक्ट हुआ है, यह कलेक्ट हुआ है एक्स नंबर ऑफ रेजिडेंट्स के द्वारा, जब एक्स रुपीज इच वन ने दिया है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि जो ये मनी है 2,02,500, यह कलेक्ट कैसे हुआ? तो देखिए, हर एक रेजिडेंट्स ने क्या किया है, पे किया है, और उतना ही रुपया पे किया है जितना नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हैं। तो पहले मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स भी एक्स, या मान लीजिए कि लेट लेट दी नंबर ऑफ रेजिडेंट्स बी एक्स। अब ये बताइए, जब रेजिडेंट्स टोटल एक्स हैं तो सबने मिला करके सबने जो है एक्स रुपीज ही पे किया है, देन ले सकते हैं आप, डोनेटेड बाय ईच इज इक्वल टू आल्सो एक्स रुपीज, है कि नहीं? देखिए, एक्स नंबर ऑफ यदि रेजिडेंट्स हैं तो उन्होंने एक्स रुपीज ही पे किया है ईच वन। तो ये बताइए, अब एक्स लोग हैं और एक्स लोगों ने जो है एक्स रुपीज दिया, तो टोटल कितना रुपीज दिया, कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे कि एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं? मतलब क्या करना है कि सब जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सबका जो मनी है वो यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबका कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, तो हम यदि कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, तो एक्स बार ऐड करना पड़ेगा इस एक्स रुपीज़ को, क्योंकि एक्स नंबर ऑफ पीपल जो है उस विलेज में या उस जगह पर हैं, उस कहीं पर रेजिडेंट है वहाँ पर हैं वहाँ के लोग। तो एक्स नंबर ऑफ यदि रेजिडेंट्स हैं और सबने यदि एक्स रुपीज़ पे किया है, तो हमें एक्स बार ऐड करना पड़ेगा एक्स को। इसका मतलब कि एक्स को एक्स बार ऐड करने के बजाय हम यदि एक्स में एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे। तो क्लियरली यहाँ लिख सकते हैं, क्लियरली टोटल मनी कलेक्टेड इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स रुपीज, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो एक्स इंटू एक्स आएगा, यह टोटल रुपीज तो दिया ही है 2,02,500, तो इसके बराबर जो है कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 2,02,500 रुपीज। अब यहां से हम सॉल्व करके जो है निकाल लेंगे, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसको टू मिल जाएगा 2,25,000,
सॉरी 2500। अब यहाँ से जो है एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स में, तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा 2,02,500। अब आपको यहाँ पर जो है इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे साइड में, ठीक है, यहाँ पे करेंगे फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ पे 0,0 दो बार दिया हुआ है, तो हम यहाँ पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि 2,025 मिल जाएगा, है कि नहीं। या फिर डायरेक्टली आप जो है पहले इसको डिवाइड कर सकते हैं 25 से, डेफिनेटली। तो पहले हम 25 से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 200 में ले जाना पड़ेगा, और 200 में 8 टाइम्स चला जाएगा, तो 25 8 जा 200, ख़त्म हो गया 200, और 2 बचा 25 हो गया, 25 1 जा 25, और ये 0,0। फिर यहाँ पे चला जाएगा 9 से, 9 9 जा 81, और ये 00। फिर से चला जाएगा ये 9 से, और 9 1 जा ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 जाएगा, 25 4 जा 100, और 4 1 जा 4। तो हमें जो मिला है इसको फैक्टर करने पे, वो मिल गया हमारा ये चीज़, मतलब हम इसको लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स के रूप में इस तरीके से कि 2 इंटू 2। देखिए यहाँ पर 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, उसके बाद से 9 9 2 यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, देखिए 25 यहाँ भी है और 25 यहाँ भी है, तो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब इनका पेयर बना करके बाहर निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर ये पेयर बना, यहाँ बना, यहाँ बना, ये, तो मतलब कि मिल गया आपको 2 इंटू ये मिल गया आपको 3 इंटू 3, क्योंकि दो बार 3 का पेयर बना हुआ है, यहाँ पर 5 दो बार बना हुआ है, तो 5 इंटू 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6 एंड 6 3 18 18 5 90 एंड 90 5 450। इसका मतलब कि हमें मिल गया है, फाइंड द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बनाना था एक्स, तो 450 रेजिस्टेंस टोटल हैं, तो देख सकते हैं कि हैंस टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इक्वल टू 450। और यहां से यह भी पता चल गया कि 450 रुपीज जो है ईच वन ने पे किया था, क्योंकि जितने वहां पे लोग रह रहे हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने हैं, वो सारे उतने ही मनी पे किए हैं, उतना ही डोनेट किए हैं जितने वहाँ पे हैं। इसका मतलब कि 450 मिल गया हमें नंबर, कि 450 लोग वहाँ पे, 450 रेजिडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, इसका मतलब कि 450 रुपीज़ ईच वन ने पे किया है कि नहीं, इससे ये भी पता चल गया। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे किया जाएगा इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।